सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फोटोशॉप 7.0 से अपने कुछ इस प्रकार की एडिटिंग कैसे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, इसलिए मैं इसका आगे का भी पार्ट ला रहा हूं। अभी ये देखिए बिगनर है, अभी हम जो CV एडिटिंग है तो एडवांस लेवल भी देखेंगे। जैसे कि मेन CV एडिटिंग होता है, जैसे कि आपको चमक वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अभी ये बेसिक से चल रहा है। तो आप लोग ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो तो, क्योंकि हम इसके बाद एडवांस में भी जाएंगे। सो सबसे पहले तो हम फोटोशॉप को ओपन कर लो एंड फोटो को ओपन कर लो, जिस भी फोटो में आप लोग कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो उस तरह की। ओके, सो जैसे कि मैं एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड फ़ोटो इंपोर्ट करने के बाद आपको इसे जो लेयर है इसको डबल क्लिक करके इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग एंड तक नहीं देखोगे तो इसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम बहुत होता है फोटोशॉप 7.0 में, तो आप लोग प्रॉब्लम फंस जाओगे। एंड लेयर को, ये जो लेयर है इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसे डुप्लीकेट कर लेना है। ओके, तो यहाँ से ला के छोड़ देना, डुप्लीकेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ से जाना है इमेज पे मोड में एंड यहाँ से जाना है लैब कलर एंड इसके बाद डोंट मर्ज कर देना है। ओके, इतना करने के बाद आपको चैनल्स पे जाना है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि ये जो ए वाला है तो इसको बी में पेस्ट किया था, बट इस वाले में तो हम क्या करेंगे कि जो बी वाला है तो ए में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए करना है एंड कंट्रोल प्लस सी करना है, देन कंट्रोल प्लस वी कर देना। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो कलर ग्रेडिंग है हो जाएगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कलर ग्रेडिंग हो गया, बट अभी वीडियो को एंड मत करना, क्योंकि ये देखिए अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। अगर आप लोग जूम करके देखो तो चेहरे पर भी कलर आ गया है, बहुत अभी काम बाकी है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड देखिए कॉमेंट आप लोग नहीं करा करते हो, कॉमेंट हमें ज़रूर करा करो, मोटिवेशन मिलता है यार कि आप हमें वीडियो कैसा लग रहा है आपको, तो अच्छा लगे या बुरा लगे कैसा भी लगे आप लोग कॉमेंट जरूर कर दिया करो, जैसा भी लग रहा हो। ओके, एंड लाइक भी कर दो। सो इसके बाद इतना करने के बाद कंट्रोल प्लस डी दबाना है। ओके, कंट्रोल प्लस डी दबाने के बाद आपको जो लेयर है इसको सेलेक्ट रखना है एंड इमेज में जाना है मोड में, देन यहाँ से फिर से आपको RGB कलर पे सेलेक्ट करके डोंट मर्ज कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस लेयर को मास्क कर लेना है, ये जो मास्क का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके, एंड उसके बाद ये ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेना है ब्रश टूल। ओके, फोटो को आप जूम कर लो अच्छे से एंड अपने चेहरे पर ब्रश को फेर दो। इससे होगा क्या, जो ये ब्राउन कलर का इफेक्ट आपके फेस पर आ गया है ये हट जाएगा। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी से इसे रिमूव कर लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट आप लोग क्या करना कि आराम से करना तभी ये सही होगा। ओके, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो आप लोग वाइट कलर सेलेक्ट करके इसे अच्छे से कर लेना। सो मैं जो हैंड है यहाँ पर भी कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ब्रश को छोटा बड़ा करके अच्छे से करिएगा, तभी ये रियलिस्टिक लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर बेकार लगने लगता है वो। सो फोटो को हम अनजूम कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस माइनस से। ओके, सो इतना काम हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इस लेयर पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से कर देना है अप्लाई लेयर मास्क, इस लेयर का डुप्लीकेट ले लेना है। ओके, एंड यहाँ से इसे पकड़ के इस तरह से छोड़ देना है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। सो लेयर को डुप्लीकेट लेने के बाद आपको सेलेक्टिव टूल में जाना है, यहाँ से लेना है कर्व्स। ओके, सो कर्व्स लेने के बाद आपको इस ये वाले हैंडल को पकड़ना है। देखिए ये चीज़ आप लोग अपनी फ़ोटो के हिसाब से करिएगा, जैसी आपकी फ़ोटो हो उसके हिसाब से ही करिएगा, ये नहीं कि मैं जितना बढ़ा रहा हूँ उसको उतना ही आप बढ़ाओगे, जैसी आपकी फ़ोटो हो उसके हिसाब से बढ़ाइएगा। ओके, तो यहाँ से डन कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं लेवल्स में। ओके, ये लेवल्स लेने के बाद आपको जो बीच वाला हैंडल है इसको इस साइड कर देना है। देखिए ये दो चीज़ें हैं तो आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से करनी होगी। ओके, जैसी आपकी फ़ोटो हो उसके हिसाब से करिएगा। एंड ये जो ब्लैक वाला है मैं थोड़ा सा इस साइड को कर लेता हूँ, मेरी फ़ोटो में इतना अच्छा लग रहा है। ओके, अब आपकी फ़ोटो में आप कर करके देख लेना कैसा आपको अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से ही करना। देन उसके बाद फिर से सिलेक्टिव कलर में जाना है एंड यहाँ से ह्यू सैचुरेशन लेना है एंड सेलेक्ट कलर के करके इसे सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है कुछ इस प्रकार से। ओके, सो इतना हो जाने के बाद आपको जो कलर है इसको रहन देना है। ओके, यहाँ पे अभी कुछ मत छेड़छाड़ करना, इरेज वगैरह मत करना। एंड यहाँ सेलेक्टिव कलर में जाना है एंड यहाँ से लेना है आपको सेलेक्टिव कलर। सो सेलेक्टिव कलर में देखिए मेरा जो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं ये ब्लू कलर है, थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाए, मतलब मैं दूसरे कलर में करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जाऊँगा, ये सियान ब्लू कलर पहले लेता हूँ। ब्लू कलर में ये मैं, आप इसको देखिए, आप वैल्यूज को छेड़छाड़ करके देख लेना कैसे में अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं इस साइड को लेता हूँ। ओके, एंड
इसको इस साइड को, एंड इसे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, आप इसे एब्सोल्यूट में कर लेना ओके। तो ये ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा क्योंकि इसमें छोटे बहुत जो कलर बचते हैं उनको मिल लेता है, तो इतना कर लेते हैं, इतना ठीक है। सो आपका जो जैसे कपड़े हों उसके हिसाब से कर लेना ओके। सो मैं इतना कर लिया, उसके बाद ऐसे डन कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से जो बंदे का फेस है उसको क्लीन करना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाना है ओके। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई कुछ भी दबा सकते हो, ये बटन साथ में दबाना है जो रहती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, तो आपके पास एक न्यू लेयर आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये फोटो को जूम कर लेना है। ये फेस स्मूथ हम करने वाले हैं तो यहाँ पास आप लोग ध्यान से देखना, फेस स्मूथ करने के लिए आपको लेना है स्मश टूल, ये स्मश टूल है ओके। एंड यहाँ से आपको ब्रश में जाना है, ब्रश में जाने के बाद आपको ब्रश जो है तो 100 नंबर लेना है ओके। 100 नंबर लेने के बाद आपको, आप देखिए ये भी ब्रश से भी आप कर सकते हो एंड कोई सॉफ्ट ब्रश भी ले सकते हो, तो मैं इसी से ज़्यादातर करता हूँ ओके। तो आप कर सकते हो, ब्रश को छोटा कर लेते हैं, फोटो को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। एंड ये जो ब्रश का वैल्यू है आप लोग इतना रख सकते हो या फिर आप लोग कम ज़्यादा जैसी आपकी फ़ोटो हो उसके हिसाब से। एंड यहाँ से इसे फेरना शुरू कर देना ओके। एंड इसको जब आप फेरना तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देकर अच्छे से करना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी फेर रहा हूँ ओके। ओके तो इतना हो गया, मैं थोड़ा सा हैंड पर भी कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो कि जो फेस स्मूथ है हमारा हो चुका है। एंड अगर आपके पास अगर आपके फेस में जो पिंपल वगैरह हैं तो आप पैच टूल से कर लेना ठीक है। तो आप पैच टूल देख लेना, ये है पैच टूल, इससे कर लेना ओके। सो यहाँ पे मेरे पिंपल तो नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपको दिख रहा है सेलेक्ट टू कलर, इस पर जाना है एंड ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेना ओके। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को मिनिमम इतना बढ़ा लेना जितनी आपकी फ़ोटो में लाइटिंग अच्छी लगे ओके। अब देखिए यहाँ पास ध्यान समझिएगा, ये मास्क को सिलेक्ट करना है आपको, ब्लैक कलर एंड उसके बाद ब्रश टूल। इतना करने के बाद आप फ़ोटो को जूम कर लीजिए। फ़ोटो जूम करने के बाद आपको जो मास्क दिख रहा है तो मास्क पर सेलेक्ट करना है ओके। एंड कंट्रोल प्लस आई दबाना है, इससे होगा क्या कि लेयर डिसलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसे यहाँ से फेरना शुरू कर दीजिए। अब देखिए अब ये जो फेस है ये थोड़ा वाइट हो जाएगा। सो इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है कि देन यहाँ से फिर से हम लेंगे सेलेक्ट टू कलर एंड यहाँ से लेंगे कर्व्स। अब जो कर्व्स है इसका थोड़ा सा हम शेडो बढ़ाएंगे। शेडो बढ़ाने से क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा एंड बीच वाले को अगर आप पकड़ के इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ेगी। तो आप लोग कर लेना अगर अच्छा लगे आपको तो ओके। तो कुछ इस प्रकार से सो आप देख सकते हो कि ये कलर ग्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हाई पास। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करना है ओके। एंड यहाँ से आपको फिल्टर पे जाना है, यहाँ से लेना है हाई पास। सो हाई पास लेने के बाद आपको इतना रख लेना है मिनिमम एंड यहाँ से इसे कर देना है ओवरले पर ओके। इससे होगा क्या, थोड़ा डिटेल आ जाएगी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ओके, इस प्रकार से ओके। सो यार वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल देखने के लिए आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब करो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।